रात 9 बजे के एपिसोड में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे। मेरे प्यारे बंधुजनों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही सुंदर जानकारी। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2022 में महाशिवरात्रि का पावन त्योहार कब मनाया जाएगा, और साथ ही साथ आज मैं आपको इस एपिसोड के अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो अगर आप महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर सदा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, आपकी जेब में हमेशा पैसा टिका रहे, तो आज ने आपको इस एपिसोड को पूरा देखना है। और जो उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इस उपाय को भी आपने भली भांति करना है। तो साथियों, चलिए भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् युगबंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान भोलेनाथ की जय। मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूँ आप सभी भक्तों के सामने आज के नए एपिसोड के साथ। आज हम बात कर रहे हैं साल 2022 में महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा। साथियों, हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का जो त्योहार है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, और ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय होता है, और जो लोग भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं वो महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत जरूर रखें। जो भी भक्त महाशिवरात्रि के दिन सच्चे मन से व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और आने वाले उनके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। प्यारे बंधुजनों, यूं तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत से त्योहार आते हैं, बहुत से अलग अलग पर्व आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर महत्व किसी त्योहार का है, सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी पर्व का है, तो महाशिवरात्रि को सबसे पवित्र और सबसे प्रमुख त्योहार कहा गया है। महाशिवरात्रि के दिन अलग अलग रूप से भगवान शंकर की पूजा की जाती है, मंदिरों को सजाया जाता है, और बड़ी धूमधाम से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा कि साल 2022 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। जानकारी को मैं आपके साथ स्क्रीन पर भी शेयर करूंगा, यहां से भी आप जानकारी को अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। तो प्यारे बंधुजनों, साल 2022 में महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च 2022 को मनाया जाएगा। स्क्रीन पर डिटेल मैंने शेयर कर दी है, यहां से भी अच्छी तरह से डिटेल आप नोट कर सकते हैं। 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। प्यारे बंधुजनों, अब आज के उपाय से मैं आपको अवगत कराता हूं कि कौन सा है वह दिव्य महा उपाय जो अगर आप महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उपाय को आपने बड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आप उपाय को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो उपाय करने का कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलता। सही समय पर सही नियत से सही भाव से किया गया उपाय हमेशा उचित फल देने वाला होता है। तो प्यारे बंधुजनों, चलिए आज का जो उपाय है वो शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आपने गाय माता का कच्चा दूध लेना है। जी हाँ, किसी भी लोटे में आप कच्चा दूध ले लें और उसके अंदर आप थोड़े काले रंग के तिल भी डाल लें, या सफेद रंग के तिल भी आप डाल सकते हैं। आपने महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठकर के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद आपने उस तिल मिश्रित दूध को शंकर जी के मंदिर में लेकर के जाना है, और वहां पर आपने शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस कच्चे दूध को शिवलिंग पर अर्पण करना है।
आपने दूध की धार को बारीक रखना है और 108 बार ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो पूर्ण हो जाए तब तक जो है वह दूध चलते रहना चाहिए। तो साथियों, महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शिव मंदिर में जाकर के आपने 108 बार तिल मिश्रित दूध से शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करना है। केवल एकमात्र ये कार्य महाशिवरात्रि के दिन आप कर दें और आपको बहुत जल्दी भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा की प्राप्ति होगी। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी रोग, अगर कोई भी कष्ट है, किसी तरह की पीड़ा आपके ऊपर है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन ये एक काम जरूर कर दें। भगवान भोलेनाथ आपके सभी दुख कष्टों को हर लेंगे और बहुत जल्द ही आपका जीवन सुखमय, शांतमय और धन वैभव से संपन्न हो जाएगा। जितना ज्यादा आप इस उपाय को सच्चे मन से करेंगे, उतना ही जल्द आपको इस उपाय के करने का परिणाम प्राप्त होगा। साथियों, यहाँ पर एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि आम दिनों में जो उपाय हम करते हैं, हो सकता है उसका रिजल्ट हमें थोड़ा देर से मिले, लेकिन महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, उस उपाय का रिजल्ट आपको जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी मिलता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा साक्षात आपको प्राप्त होती है। तो प्यारे बंधुजनों, मैं आशा करता हूँ उपाय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एपिसोड में आगे बढ़ते हैं, आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमारा जो दूसरा चैनल है ज्योतिष मिराकल, उस पर 20 फरवरी को रात 9 बजे मैं लाइव आऊंगा। आप सभी भक्तों को आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 20 फरवरी की रात 9 बजे ज्योतिष मिराकल चैनल पर आपने लाइव हमारे साथ जुड़ना है। आपके जो जो भी प्रश्न है, जो जो भी आपके एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आप लाइव सेशन में रात 9 बजे 20 फरवरी को हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, उम्मीद करूंगा आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। प्यारे दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में कल रात 9 बजे मुलाकात होगी किसी और नए इंटरेस्टिंग रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। कमेंट में सभी भक्त माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगा देंगे। जयकारा शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय।